हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूमनी रसोई। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो कहना ही क्या है, और इस तरह के कुछ यूनिक से मिल जाएं तो बस मज़े ही आ जाएंगे टी टाइम पे। और ये देखिए, आज हमने बनाए एकदम फूले फूले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे बनाए हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर मिला देंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर। नींबू निचोड़ देते हैं, 1 नींबू निचोड़ दिया है मैंने यहाँ पे। नींबू से टेस्ट है वो भी ज़्यादा अच्छा आता है, और पकोड़े जब फ्राई करेंगे तो तेल भी कम सोखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नींबू निचोड़ दिया है। और अच्छे से सारे मसालों को मिला देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। पानी है वो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर है वो ज़्यादा पतला नहीं हो जाए। अगर बाय चांस बैटर पतला भी हो जाए तो हम थोड़ा सा बेसन डाल के और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो हमें पहले ही ध्यान रखना है कि पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करते हुए एक स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। बारिश के मौसम में ना कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ऐसे सोगी सोगी सी होने लगती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं। उससे हमारे पकोड़े हैं काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेंगे, सोगी सोगी से नहीं रहेंगे। और अगर गर्मा गर्म खाएंगे तो वो क्रिस्पी भी रहेंगे। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। हमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बैटर हो तैयार हो गया है। और बैटर की कंसिस्टेंसी है वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू और प्याज को काट के ले लिया है, और ये आलू मतलब ना तो ज़्यादा पतले हैं और ना ही मोटे, कुछ इस तरह से हमने काट के लेने हैं। और इनको हम बैटर में डिप करके देखेंगे। ये देखिए, बैटर है वो अच्छे से लिपट रहा है आलू पे। ये देखिए, बैटर ना ज़्यादा पतला है ना ही गाढ़ा है, और ये देखिए अच्छे से कोट हो गया है आलू पे। बस इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। ये देखिए, तेल है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, और मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करना है। ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो बाहर से ये सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से आलू है वो कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करना है ताकि पकौड़ा है वो अंदर से अच्छे से सिके। और ये देखिए, पकौड़े हैं वो फूल के एकदम ऊपर आ गए हैं, कितने अच्छे मतलब फूले फूले पकौड़े बने हैं। और अच्छा सा इन पर कलर आएगा तब तक हम इनको उलटते पलटते हुए सेक लेते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करके जाना। और ये देखिए आप पकौड़े, आप इन्हें चाय के साथ सर्व कीजिए या फिर चटनी के साथ में, या फिर ऐसे ही भी खाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए, सारे पकोड़े पे अच्छा सा कलर आ गया है। हम इन्हें निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकल जाएगा इन पे, और सारे पकोड़े इसी तरह से हमें फ्राई कर लेने हैं। इस टाइम पे तेल है वो ज़्यादा गर्म रहता है, पकोड़े फ्राई करते टाइम हमें गैस का फ्लेम है वो कम कर देना है, और जब सारे पकोड़े हमारे डल जाएंगे उसके बाद हमें फ्लेम बढ़ा के इन्हें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए, पकोड़े हमारे बनके हो गए हैं तैयार। आप इन्हें चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कीजिए, और बारिश के मौसम में शाम के टाइम में एंजॉय कीजिए। ये देखिए, पकोड़े आप अंदर तक देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आलू हैं वो अच्छे से पक गए हैं, और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इनमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है। तो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।